कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने तुमको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जोरदार ताली से आदरणीय अशोक सुंदरानी जी। तो जब ये लिया गया एक खतरनाक प्रयोग, मैं बता रहा हूं कोरोना ने, चीन ने, पाकिस्तान ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ये छोटे पर्दे ने, ये टेलीविजन ने पहुंचाया देश को। हमारे बच्चे उम्र से पहले बड़े होने लग गए सर। मैं बता रहा हूं, मेरा बड़ा बेटा है 12वीं में पढ़ता है, पिछले साल फेल हो गया तो इस बार फिर फेल हो गया। मैंने बुला के डांटा, मैंने कहा दिन भर फेल कुछ कर, डेनियल की बच्ची को देख 97% नंबर, श्रीवास्तव जी की बच्ची को देख 98% नंबर। वो बोला इन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं। क्या ये टीवी का असर है सर? और दर्द मेरा ये नहीं है, चलो 12वीं में पढ़ता है इतना बड़ा हो गया, असली टेंशन है मेरा दूसरे नंबर का बच्चा, क्लास 4 में पढ़ता, 4थी में, क्या उम्र होती, 8 साल की मासूम उम्र, स्कूल से लौट क्या निराश उदास हताश बैठा रहे, बस्ता एक तरफ फेंक दे, फिर एक ट्यूशन से दूसरा। हम लोगों ने क्या दिया बच्चों को शिक्षा के नाम पे? एक दिन स्कूल से लौटा, भगवान की कसम, बस्ता फेंका और डीजे बजा के नाचने लग गया। मैं देखा, मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न हुआ क्या? वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल, क्या वर्ड सीख गए बच्चे साहब, क्यूट मैडम के लिए, इतनी क्यूट इतनी हॉट कि लगता है पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड तो ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने कान पकड़ के उसको डांटा, सत्य घटना, मैंने कान पकड़ के डांटा उसको, मैंने कहा नालायक यही संस्कार है, यही सीखा है तुमने, जो मैडम तुझे पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, तुझे ज्ञान देती है, उसको हमेशा अपनी माँ समझना चाहिए। बच्चे ने पलट के जवाब दिया पापा फरदम अपने जुगाड़ में रहते हो। सर असली टेंशन ये है, बच्चे पैदा होने बंद हो गए, सीधे बाप पैदा होने लग गए, उम्र से पहले बड़े होने लग गए बच्चे। मुझे घटना याद पड़ती, एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा एक फिल्म देख रहा था टीवी पे, इतने में वही 8 साल का आइटम बीच में फंसा आके, दोनों के बीच में फंसा आके वो भी देखने लग गया। अब हमारी समझ में ना आया हम क्या करें, फिर ध्यान आया पिक्चर मेरी देखी हुई थी, मुझे लगा 5 मिनट बाद टीवी में फिल्म में एक ऐसा सीन आएगा जो कम से कम अपने बच्चे के साथ बैठ के नहीं देखना चाहिए। मैंने श्रीमती जी की आंखों में इशारा किया, श्रीमती जी ने इशारा समझा, हम दोनों उठ करके बालकनी में चले गए। मेरे चकिया के अच्छे लोगों, 6वें मिनट में मेरे 8 साल के बच्चे ने आवाज दी पापा मम्मी अंदर चले आओ, वो वाला सीन गया। सर किस दौर में पहुंच गए हम लोग, कहां हैं हमारे बच्चे साहब? बच्चों से बचपन गायब हो गया है, बच्चे उम्र से पहले बड़े होने लग गए। तब एक कविता 2 मिनट की अंतिम रूप से रख करके, क्या वो एक नया प्रयोग हुआ? नया प्रयोग ये हुआ कि गाने तो पुराने लेकिन नए अंदाज में दिखाने लग गए। आप सब ने देखा होगा जिसको नाम दिया गया बब्बन सिंह जी, रीमिक्स, गाना पुराना नए अंदाज। मैं भी ऐसा ही एक रीमिक्स देख रहा था जिसमें 5-6 हीरोइनें नृत्य कर रही थी, बड़े ध्यान से देखा तो कपड़े नजर आए। ये बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा हिंदुस्तान आजाद है, आजादी है, जैसा पहनो वैसा, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे एतराज हुआ उस गाने से जिस गाने पर वो हीरोइनें डांस कर रही थी, और वो गाना था छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। मैं ध्यान से देखा, मैं कहा आंचल है कहां है? मुझे लगा अगर इन सब के बीच दुर्योधन और दुशासन का पुनर्जन्म हो जाए तो दुर्योधन तो आत्महत्या कर ले, दुशासन अगर उससे कहे चीर खींच तो बोले खींचे क्या, कुछ हो तो खींचे,
तो ऑलरेडी खिंचा खिंचाया मामला है साहब। तो मुझे लगा शायद 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 इन नई हीरोइनों को आंचल का अर्थ ही नहीं पता, क्योंकि इन्होंने कभी आंचल को समझा ही नहीं। तब दो मिनट की कविता अंतिम रूप से ये जर्नलिस्ट पत्रकारों के बीच में, सर हम लोग सरस्वती, हम अंतर यही है कि हम सरस्वती पुत्र हैं, आप लोग नारद पुत्र हो, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है सर। तो जब इस तरह के वस्त्र देखे, इस तरह का वो देखा, तो मुझे लगा शायद आंचल इन्होंने देखा ही नहीं। तब एक छोटी सी कविता देकर के इस कवि सम्मेलन, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, सार्थक स्थगन देना चाहता हूं। असल में किसी को मुझसे बात करना था तो 4 बजे लगाया, बोले अभी चल रहा है क्या, हमने कहा चल रहा है, फिर 6 बजे लगाया, बोले अभी भी चल रहा है क्या, तो उसी का फोन आया होगा कि अभी भी चल रहा है क्या। तो मैं आपके कवि सम्मेलन को नमन करता हूं। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा आंचल का शायद अर्थ नहीं पता। तब एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूं, कोई बात कलेजे में ठक से लग जाए तो बस प्यार मिले कि ओ नहीं, इसका इसका जादू अपना है साहब, मोबाइल तो मोबाइल है साहब। नहीं 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 नहीं, अरे आपको कुछ कहना, आप तो बड़े अच्छे शालीन वस्त्रों में सुसज्जित हैं, अच्छा लगता है। मैं तो उनको अब काश ऐसी व्यवस्था हो जाए, काश ऐसे एड्रेसअप हो जाए, काश अच्छा वो विजय जी के वो बैठे हुए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा विजय जी भी इसीलिए जमे हैं बिल्कुल एकदम, मैं आपके वैवाहिक जीवन की शुभकामना देता हूँ। तो मुझे लगा कि आंचल का शायद अर्थ नहीं पता। तब मैंने उनसे कहा कि ओ अर्धनग्नता और पूर्ण नग्नता के बीच लटकती हुई बालाओं, सुने चकिया, सुनना दुष्यंत भाई, ओ अर्धनग्नता और पूर्ण नग्नता के बीच लटकती हुई बालाओं, शैतान की खालाओं, ओ नेहा मल्लिका विपाशा, पहले कम से कम जान तो लो आंचल की परिभाषा। अरे वाह बहुत अच्छा, क्या सुनता है चकिया साहब। और अब आपकी तालियों का शोर उठे, कहीं कलेजे में ठक से लग जाए अगली पंक्ति तो प्यार मिले, एकदम नया विषय है सब कुछ, जब जो कवि जो देखता है वो लिखता है कि ओ अर्धनग्नता और पूर्ण नग्नता के बीच लटकती है। सुनना आप पहली बार सुने, प्रीति सोनी व्याख्या पहली बार सुन रही है कि ओ अर्धनग्नता और पूर्ण नग्नता के बीच लटकती हुई बालाओं, शैतान की खालाओं, ओ नेहा मल्लिका विपाशा, पहले कम से कम जान तो लो आंचल की परिभाषा। अरे आंचल में प्यार होता है, स्नेह होता है, ममता होती है, ममत्व होता है, लाड़ होता है, नन्हे नन्हे बच्चों का असीमित खिलवाड़ होता है, आंचल में प्रेम होता है, चाह होती है, माँ से बच्चे तक पहुँचने की एक नन्ही सी प्रेम भरी राह होती है, माँ के बच्चे के दुख में माँ की एक लंबी आ होती है, और कभी माँ के आंचल के साए में सिमट करके देखना, घने बरगद जैसी ठंडी ठंडी छांव होती है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह, कभी 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 कभी, बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह, कभी 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 कभी, बहुत खूब, वाह। कुछ जब नया लिखा जाता है ऐसा प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि कभी माँ के आंचल के साए में सिमट, ऊर्जा और बढ़ाएगा कि कभी माँ के आंचल के साए में सिमट करके देखना, घने बरगद जैसी ठंडी ठंडी छांव होती है, माँ के आंचल के स्पर्श मात्र से सरहद पर जाते हुए सैनिक का खून बढ़ जाता है, माँ के आंचल के स्पर्श मात्र से सरहद पर जाते हुए सैनिक का खून बढ़ जाता है, दुश्मनों से लड़ने के लिए जैसे रक्षा कवच चढ़ जाता है, और पंजाब की कोई बेबे जब फैलाती अपना आंचल मातृभूमि के लिए तो उसका इकलौता लाल भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है, उसका इकलौता लाल भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाता है। हजारों नौजवानों ने भारत माता के आंचल की आजादी के लिए, याद करना चाहता हूं, तालियां उठें आपकी,
हजारों नौजवानों ने भारत माता की आजादी के लिए सैकड़ों साल पहले हंसते हंसते जान देने के सपने बुने थे, और भारत माता के आंचल के स्वाभिमान को कोई चोट न पहुंचे इसके लिए गुरु गोविंद सिंह के दो मासूम बच्चे मुस्कुराते हुए दीवारों तक में चुने थे। गुरु गोविंद सिंह के दो मासूम बच्चे मुस्कुराते हुए दीवारों तक में चुने थे, अपने मुट्ठी भर साथियों को लेकर मजबूत औरंगजेब के सामने वीर शिवाजी अपने साथियों के साथ मुट्ठी भर साथियों को लेकर औरंगजेब के सामने भी पूरी मजबूती से खड़ा था। और यही वो आंचल है जिसमें बांध कर अपने नन्हे दुधमुहे बच्चे को महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से एक लंबा युद्ध लड़ा था। यही 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 वो यही वो आंचल है जिसमें बांध कर अपने नन्हे दुधमुहे बच्चे को महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से एक लंबा युद्ध लड़ा था। आंचल की अपनी जवानी है, आंचल की अपनी रवानी है, आंचल की सदियों पुरानी अपनी गौरवशाली कहानी है। आंचल ने सजाया है, संवारा है और मूर्त रूप दिया है आजादी के ख्वाब को। और जब सरहद पार से हृदय को चीरने वाली कोई खबर पहुंची है किसी शहीद के घर गांव तक, तो इसी आंचल ने ही थामा है आंसुओं के सैलाब को। इसी आंचल ने ही थामा है आंसुओं के सैलाब को। तो जब आप जैसे पत्रकार, आप जैसे जिंदा दिल लोग, जागरूक लोग कहते हैं कि इतनी नग्नता क्यों, इतनी अश्लीलता क्यों, तो ये हीरोइनें जवाब देती हैं कि आपको तो भगवान ने सुंदर बनाया नहीं, हमें भगवान ने सुंदर बनाया, हमारे पास जो सुंदरतम है उसे हम क्यों ना दिखाएं। तो आप सबकी तरफ से छोटा सा कवि जवाब देता है कि दिखाओ, अपन तो तैयारी खड़े, जैसे चाहे इनकी बोली लगाओ, पर मांगता हूं तालियां, जैसे चाहे इनकी बोली लगाओ, लेकिन तुम्हारे इन आइटम डांस ने, तुम्हारे इन आइटम सॉन्ग ने पूरे देश में जाने कहां कहां दंगा कर दिया। और मेरी भटकी हुई बहना, तूने अपने सर पर विश्व सुंदरी का ताज तो रख लिया, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जाने कहां कहां नंगा कर अरे दिया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जाने कहां कहां नंगा कर दिया। आखिरी पंक्ति देकर के जाना चाहता हूं सारे कवियों की तरफ से, पूरी संस्कृति को जाने कहां कहां नंगा कर दिया। इसलिए कहता हूं कि दिखाओ दिखाओ खूब दिखाओ, जैसे चाहे इनकी बोली लगाओ, लेकिन भगवान के लिए, ऐसे प्यारे प्यारे श्रोताओं के लिए, हिंदुस्तान की इज्जत और अस्मत के लिए, कम से कम दूध ममता और आंचल जैसे शब्दों को मत लगाओ, आंचल जैसे शब्दों को मत लगाओ, आंचल जैसे शब्दों को मत लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, सच्चा है अपना प्यार।